जैसा कि मैंने टंबनेल में भी कहा है, एक चीज मैं रीड करके बताना चाहता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा इसके मायने। द प्ली हैज ऑल्सो प्लेस्ड रिलायंस ऑन द अयोध्या जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग दैट द टॉप कोर्ट इन द जजमेंट हेल्ड दैट अ वर्शिपर हैज अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट टू रिकवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ आइडल। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय और आप देखें तो क्वेश्चन आर भारत। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने आज के दिन ही शाम को इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया था कि मैं ये सीरीज करने वाला हूँ, और आज ही रात को 12 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। आप कब देखते हैं आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे अपने पहले वीडियो का टॉपिक मिल चुका है, कंटेंट मिल चुका है, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, 9 दिसंबर की बात है ये रिपोर्टिंग, एटलीस्ट 9 दिसंबर की। मैं चाहता हूँ कि जो नया नया केस खुला है इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली वीडियोज को शेयर करके या जिस तरीके से आपको जिस तरीके से सही लगता है इस मुद्दे में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना आप करिए। फिलहाल सबसे पहले तो ये करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो में बने रहिए। तो मुद्दा ये है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में ये अर्जी डाली गई है कि जो कुतुब मीनार का जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसमें 27 लॉफ्टी हिंदू जैन टेम्पल्स, यानी कि हिंदू टेम्पल्स भी हैं जैन टेम्पल्स भी हैं, और उसको रिस्टोर करने के लिए डेटीज को वर्शिप करने का हक दिया जाए कि जैन लोग भी अपना अपनी परंपरा के हिसाब से वर्शिप कर सकें और हिंदू धर्म के लोग भी कर सकें। यहाँ पे विष्णु जी का, शिव जी का, गणेश जी का और कुछ देवियों का, हनुमान जी का ऐसा छोटा छोटा मंदिर है, ऐसा देखा गया है। तो चलिए इस केस की कुछ की पॉइंट जान लेते हैं कि इस खबर का की पॉइंट क्या है, क्लेम क्या किया जा रहा है और इसकी क्या क्या मांगे हैं, पेटिशनर्स ने क्या मांग की है ये भी देख लेते हैं। सीक्वेंस में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान को हरा के 1192 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन स्थापित किया, मोहम्मद गौरी के जो ये कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने क्या किया कि तबाही मचाना शुरू की मुगलों का, और क्योंकि तो स्लेव डायनेस्टी थी तो मुगलों का ये हमेशा से इतिहास रहा है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ के हर उस कल्चरल हेरिटेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, और वो जगह स्थापित करने की कोशिश की जिसको उन्होंने नाम दिया, अपने उनकी अरबी टर्मोलॉजी में बताऊंगा क्या था लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद ये निकलता है कि माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की माइट वो स्थापित करना चाहते थे कि ये है ताकत इस्लाम की, लो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इस्लाम का मतलब ये है कि हम हर अगले कल्चर को जो हमसे थोड़ा भिन्न है, कोई मूर्ति पूजक है कोई, हम उसको तबाह कर देंगे, हम उसको रहने देंगे। तो सूट भी फाइल हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ऋषभदेव, ऋषभदेव जैन परंपरा के भगवान हैं और हमारे हिंदू धर्म से लॉर्ड विष्णु। सूट की क्या मांगे मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, वैसे मैंने ऊपर आपको हिंदी में ऑलरेडी समझा दिया लेकिन आप सुन लीजिए। डिक्री द सूट डिक्लेयरिंग दैट प्रिंसिपल डेटी त्रिथंकर लॉर्ड ऋषभदेव एंड प्रिंसिपल डेटी लॉर्ड विष्णु अलॉन्ग विथ लॉर्ड गणेश, लॉर्ड शिव, गॉड इज गौरी, गॉड सन, लॉर्ड हनुमान इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग डेटीज ऑफ 27 टेम्पल्स have right to be restored and worshipped with rites and rituals performing of regular puja within the temple complex situated in the area of Kutub complex in Mehrauli district, southwest Delhi. ये सूट का कहना है, आपको यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा। इस रिपोर्ट में आगे आप वो भी देखेंगे जो मैंने कहा था कि 1100 में कि दिल्ली जो था 1192 AD जब गौरी का एम्पायर आया उससे पहले हिंदू किंग द्वारा ही रूल हुआ, और जहाँ की यहाँ साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद गौरी डिफीटेड किंग पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल 1992 AD। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अ कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी डिसमेंटल्ड डिस्ट्रॉयड श्री विष्णु हरि टेम्पल एंड 27 जैन एंड हिंदू टेम्पल्स अलॉन्ग विथ कॉन्स्टलेशन विथ रिस्पेक्टिव डेटीज एंड रेज्ड सम इनर कंस्ट्रक्शन विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज रीनेम्ड एज कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, कुवैत उल इस्लाम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है माइट ऑफ इस्लाम।
इसमें एक बहुत अच्छी प्रेयर और की गई है बोर्ड से, जैसा मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और अभी भी एक जो की पॉइंट है इस सीरीज की हर वीडियो में एक कॉमन पॉइंट होगा आपको ये बात मैं पहली वीडियो में बताना चाहता हूँ, और इसमें भी वो प्रेयर मेंशन की गई है। और लॉजिक की बात भी, जब आप कभी उन उन जगहों पर घूमने जाएंगे जो अगर आप उसको डिस्प्यूटेड माने कि हमारा था पहले और मुगलों ने ये किया, तो आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ की दीवारों पे, पत्थरों पे वो आकृतियाँ बनी हैं, वो देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हैं, वो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जिनके चेहरे खराब कर दिए गए हैं, जिनका मतलब स्ट्रक्चर खराब कर दिया गया, ताकि एक तो ये था कि हिंदुओं की आस्था के साथ खेलना, माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की माइट को स्थापित करना कि भाई देखो यही है इस्लाम, यही है मूर्ति पूजकों को मारता है और मूर्तियों को खत्म करता है, ठीक है। तो ये किया गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सूट क्या कहता है आगे। द स्ट्रक्चरल इनर एंड आउटर आउटलुक ऑफ द बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिंबलाइजेस विद एंशिएंट हिंदू एंड जैन टेंपल आर्किटेक्चर, जैसा मैंने कहा था। द कॉरिडोर इज कंप्लीटली ऑफ वैदिक स्टाइल, हैविंग अ रेक्टेंगुलर गैलरी विद होली सिंबल इनग्रेव्ड पिलर। द इन्वेडर हैड डिसमेंटल्ड एंड डिफेस्ड द आइडल्स ओनली टू डिग्रेड हिंदू डेइटीज, मैंने कहा था, एंड डीमोरलाइजेस द वर्शिपर्स। और मेरा मुस्लिम व्यूवर्स, अगर कोई यहाँ तक आ गया है और आप भी ये सवाल उनको ये वीडियो शेयर करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई देख रहा है तो जवाब सीधा सीधा कमेंट में दे सकता है बिना गुस्सा हुए, क्योंकि लॉजिक की बात है, फैक्ट्स पे बात करो। अगर आप किसी जगह को मस्जिद मानते हो, ठीक है, थ्योरी दे रहा हूँ जवाब देना, उस जगह पे नमाज पढ़ने जाते हो, आपकी किताब में लिखा है कि मूर्तियाँ हराम है, मूर्ति पूजा हराम है, मूर्ति पूजा करने वाले लोग काफिर होते हैं, जो अल्लाह में नहीं मानते वो काफिर होते हैं, और काफिरों का गला काटना ही जिहाद है, वगैरह वगैरह चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें बता रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो तुम्हारा एक्ट है कि उस जगह पे जाके उसको इस्लामिक जगह मानना, उसको ये मानना कि इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसको ये मानना कि वहाँ पर हम नमाज पढ़ेंगे, तो वो तुम्हारा एक्ट वैसे भी हराम हो गया, ठीक है। मूर्तियों के अराउंड बैठ के नमाज पढ़ना ही तो वही हुआ कि पूजा करने जैसा हुआ, मूर्तियों के अराउंड तो पूजा होती है, मूर्तियों की तो पूजा होती है, तो वहाँ जाके नमाज ऑफर करना, तो ये तो एक्ट वैसे भी हराम हुआ। तो तुम लोगों को तो खुद से पूछ के समझ के अपनी सेंसेस से खुद वो एक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हम वो गलत काम क्यों करें जब हमें मना किया गया है, ठीक। बस इसका जवाब कि अगर तुम देखोगे कि किसी मस्जिद की दीवार पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे देवी देवताओं का आर्किटेक्चर बना हुआ है, कोई कार्व्ड पेंटिंग है, कुछ भी ऐसा है, तो आप वहाँ तो परफॉर्म ऐसे भी नहीं करोगे, आपके लिए वो चीज़ें हराम होगी, वो जगह हराम होगी। लेकिन फिर भी उसको क्लेम करना कि मुगलों ने बनवाया था, मुगल हमारे वंशज हैं और ये तो इस्लाम का हिस्सा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी कहा है। एक चीज़ मैं रीड करके बताना चाहता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा इसके मायने। द प्ली हैज ऑल्सो प्लेस्ड रिलायंस ऑन द अयोध्या जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्टेटिंग दैट द टॉप कोर्ट इन द जजमेंट हेल्ड दैट अ वर्शिपर हैज अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट टू रिकवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ आइडल। पहले रामलला, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको रिकवर किया गया, अब उस चीज को बेसिस बना के, स्टैंडर्ड बना के उसको, इसका डर सबको था, सबसे ज्यादा डर ओवैसी को था और सबको था, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको था, कि एक बार जजमेंट पास हो गए तो उस जजमेंट के बेसिस पे सारे मंदिर लेने की कोशिश की जाएगी, और ये वो पहली शुरुआत है, पहली बार है कि उस जजमेंट का, मुझे लगता है, मेरे जानने में ये पहली बार है कि उस जजमेंट का रेफरेंस देके यहाँ पे इस केस में एक बहुत बड़ा पॉइंट साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वहाँ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तो यहाँ भी उस चीज़ को आप स्टैंडर्ड बना के इस फैसले को आप उस हिसाब से ही मॉडिफाई करें, उस हिसाब से इसका जजमेंट दें, उस हिसाब से ही इस केस को देखें, हैंडल करें। खैर, इस वीडियो की सीरीज में इतना ही। आई होप दिल्ली में क्या, देश के जहाँ जहाँ भी ये फ्रॉड हुआ है, मेरी जितनी रीच में होगा मैं उसको एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे शायद तमाम वीडियोस पड़ी हो, लेकिन शायद उस तरीके से अरेंज नहीं होंगी, तो मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से आपके सामने वो मुद्दे ले आऊँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, काम अच्छा लगा हो, किसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके दिए हैं। अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, पेजेस को फॉलो कर लीजिए, और कोई भी सहायता करनी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तरीके दिए हुए हैं, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना मत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।